मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंडस्ट्री के बारे में एज वेल एज कंपनी के बारे में मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि बताता हूँ, और आपको शायद कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होंगी जो कई बार पहली बार सुनने को मिलेगी। ये हमारा नहीं, एक देश के सब लोगों का मानना है कि देश की इकोनॉमी कौन चलाता है, जीडीपी में किसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब तीनों चारों की बात करते हैं, सी, एयर और सरफेस, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आर्मी का जिस तरह का हिस्सा है, इस तरह सरफेस का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। ये कुछ चीज़ें हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर, छोटे छोटे प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज्ड, जिस तरह से हम काफ़ी सालों से देखते आए हैं, ये आज तक भी चल रहा है। 30% जीडीपी, 8%, मगर डाटा किसी के पास भी नहीं। हमने भी किसी की बात सुनी, वो आपको यहाँ कैप्चर करती है, मगर डाटा किसी के पास भी इसका नहीं है कि 30% आया, 13% आया कहाँ से। कुछ बिग प्लेयर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लाइक एफएमसीज, मेटल्स, केमिकल्स, जिसके कारण सरफेस ट्रांसपोर्ट चलता है। ये कुछ डाटा है, रोड नेटवर्क में 65-85 व्हीकल्स ओनरशिप, ट्रक ओनर, छोटे छोटे ट्रक ओनर काफ़ी हैं, 67% ऐसे हैं जो 5 ट्रक्स एंड बिलो हैं, और 7-10% एनुअली हमारा ग्रोथ, जिसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ, होती है इस इंडस्ट्री की। गवर्नमेंट स्पेंड 12% कैपिटल, 3% टोटल एक्सपेंडिचर। एक छोटी सी आपको हमने फिर ये देखा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज होने के नाते से हमारे पास कोई डाटा नहीं होता इसका। तो एक कोशिश की है कुछ डाटा से इकट्ठा करके कि इस तरह से इसका रूप बन सकता है। ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान में एज ऑन टूडे 72 लाख ट्रक्स रजिस्टर्ड जैसे हुए हैं, और हमने ले लिया कि 12 साल पुराने ट्रक बिकते हैं, तो दैट मीन्स अप टू 12 ईयर्स तक ट्रक काम करता है। तो 72 लाख 72 लाख ट्रक्स है। एवरी डे ड्राइवर्स की कमी होने के कारण 12 लाख ट्रक्स पर डे एवरी डे ऑफ द रोड रहते हैं, वो चला नहीं सकते कि बिकॉज वी डोंट हैव ड्राइवर्स, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि दैट मीन्स 60 लाख ट्रक्स हमारे पास आज ऑन द रोड एवरी डे जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जब हम एवरेज निकालते हैं उन दोनों में से, 60 लाख में देयर आर लोकल ट्रक्स एज वेल एज नेशनल परमिट ट्रक्स। सो लोकल ट्रक्स पर डे दे रन 100 किलोमीटर्स, नेशनल परमिट रन 320 किलोमीटर्स, मैंने और नीचे की तरफ ले लिया 300 किलोमीटर्स, दैट मीन्स वी रन 400 किलोमीटर्स डिवाइड बाई टू, इट कम्स 200 किलोमीटर्स पर डे पर ट्रक चलता है ऑन एवरेज। जब हम इसकी कैलकुलेशन करने जाते हैं कि जो हमारा फ्रेट कलेक्शन होता है, इट गोज 55 रुपीज़ पर किलोमीटर एज वेल एज 9 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो सभी को निकालने के बाद लोकल कितने हैं ज़्यादा है, तो सबसे नीचे वाली स्टेप मैंने लिया कि लेकिन 15 रुपीज़ पर किलोमीटर पर व्हीकल से यदि हम कमाते हैं, तो हमारा टोटल 60 लाख इंटू 300 किलोमीटर्स इंटू 365 किलोमीटर्स इंटू 15 किलोमीटर्स, इट कम्स आलमोस्ट 6,57 करोड़। ये हमारा एक बनता कि सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में, दैट इज 6,57,000 करोड़ रुपीज़ का बैठता, जिसमें से अनऑर्गेनाइज 8%, 92% अनऑर्गेनाइज, 8% ऑर्गेनाइज। अब ग्रोथ कैसे होती है? ट्रेडिशनली ग्रोथ जो हमारे ट्रेड की होती है, क्योंकि जनता बढ़ेगी, गांव की तरफ से टाउन में आएगा, टाउन की तरफ से शहर में जाएगा, तो दिस ऑटोमेटिकली नेचुरल ग्रोथ है जो 8-9% होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। जनसंख्या के साथ साथ ये पैरेलली अपनी चलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कभी ये जो मैं 92% का डाटा जो बतलाया हूँ, इट वॉज 98%, और अब जरा सा फास्ट रैपिडली अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ हो रहे हैं, द डाटा इट सेल्फ 14-15%। कौन ऑर्गेनाइज की तरफ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर है, ट्रक मोल लिया, एक ट्रेडिशनल चल रहे हैं, ऑर्डर मिल गया, दिस इज अनऑर्गेनाइज, उनका ग्रोथ 8-9% नेचुरल है, होगा। बट जिन लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स सोचकर काम किया, डिफरेंटली काम किया, इनोवेटिव काम किया, मार्केट को, ट्रेंड को समझकर काम किया, उसको ये एक एडिशनल ग्रोथ और मिलती है, दैट इज 8-15%, यू कैन से 14-15%, दैट मीन 23% का बेनिफिट उनका होता है। तो दो तरह के हैं, 8 तो होगी नेचुरल, और मगर पीपल कैन हैव 23%। मैं अभी अग्रवाल पैकमूर की तरफ से आता हूँ, कुछ डाटा है, रेवेन्यू 202 करोड़, 259, 357, 390 और 14 में हमने क्लोज किया है। दिस इज नंबर ऑफ शिफ्टिंग्स पीपल, क्योंकि हमारा काम एज ऑन टूडे 60% जो बिजनेस है वो हमारा शिफ्टिंग से है, 40% बिजनेस हमारा है लॉजिस्टिक्स से, जिसमें लॉजिस्टिक में वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन्स, एयरपोर्ट कार्गो मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में दोनों आ गए, स्मॉल कार्गो एंड मीडियम कार्गो एंड
बल्क कार्गो। तो 40% का बिजनेस हमारी कंपनी के अंदर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो एंड 60% दैट इज थ्रू लोकेशन रीलोकेशन शिफ्टिंग। O14 में हमने 69,000 पीपल का शिफ्टिंग किया एंड वी आर कंटिन्यूसली 2 ईयर से वी आर नेशनल लिम्का रिकॉर्ड होल्डर्स, वी आर वन ऑफ देम। आई थिंक लार्जेस्ट मूवर में दूसरे का शायद नहीं है, लार्जेस्ट मूवर का हमारे पास ही है 2-3 साल से। तो ये हमारे कंपनी के एनुअल रेवेन्यूज। ये ऐसा क्यों है, हम क्यों इतना अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, क्लाइंट 69,000 और मोर एंड मोर जो हमारे पास विश्वास है, वो ऐसा क्या है, किस तरह का है? तो कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है एक हर बार हर क्लाइंट की नमज को पढ़ते हुए देखते हुए कि उनको क्या चाहिए, उस चीज के ऊपर कंपनी ने बार बार ध्यान दिया, उनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो उस चीज के अंदर हमने काफी चीजें हैं, हमारे अपने कोड्स हैं, डबल डोर कैरियर्स का हमने जन्म दिया हिंदुस्तान में, फैब्रिक सीट का जन्म दिया, एलईडी बॉक्स का जन्म दिया, परफेक्ट बॉक्स का दिया, ट्रकिंग, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कभी अवेलेबल नहीं थी इस रिलोकेशन बिजनेस में, जो हमारी कंपनी ने ही इनको जन्म दिया। इनोवेशन, मैं अभी आता हूँ हमारी कुछ कॉमर्शियल के अंदर, 40% जो हम कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें बड़े चूजी हैं। हम कभी टेंडर नहीं भरते, हम L1 का इंतजार नहीं करते, हम किसी के पास जनरली कार्ड बांटने हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव नहीं जाते। जैसे डॉक्टर तेरहान को कोई बुलाता है तो उसी तरह हमारी अपनी एक पहचान है कंपनी में, हम जाते हैं, तब किसी को जरूरत रहती है कि भी लोस्टी के डॉक्टर को बुलाओ, तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ प्रजेंट होते हैं और फिर हम अपनी मर्जी से मांगते हैं। तो एज सच किसी भी ट्रांसपोर्ट की भांति हम अपना बिजनेस नहीं करते। बस करते क्या है, किसके साथ हमारा काम होता है, जब किसी ने कोई कॉल किया बुलाया, हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कभी ये नहीं कहते कि हमको बिजनेस चाहिए। एक पूरा हमारा एक अपना तरीका है काम करने का कि 10-12 दिन उस कंपनी की पूरी केस स्टडी होती है, कैसे वो लोडिंग करता है, पैकेजिंग में कितना खर्चा करता है, ट्रांजिट डिले में कितना उसका लॉस है, डेस्टिनेशन के पास शॉर्टेज और डैमेज में कितना लॉस है, उस लॉस को वापस आने के लिए कितना उसका और खर्चा होता है। तो जो टोटल उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम मद्देनजर रख के हम ये कहते हैं कि आपका हम इस टोटल खर्चे को 10% कम करेंगे या 20% कम करेंगे या हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हम उसके इंटर नहीं करते, क्योंकि आप बेटर कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, हमारी आपको कोई जरूरत नहीं है। हम कर सकते हैं तो हम इंटर करेंगे, यस हम आपका ये काम करके दे सकते हैं। एक केस स्टडी है वोल्टाज पूना की, ऊपर वाली वोल्टाज पूना जो ये फोकलिप्स है, ये अभी 3 साल पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले की। उनके फोकलिप्स पूना से पूरे देश में बाहर जाते हैं, 260-270 ये बनाकर डिस्पैच करते हैं पूना से बाहर। मिस्टर सुनील गुप्ता उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने एक दिन कहीं मेरे को प्लेन में मिल गए, बातचीत हुई, कार्ड एक्सचेंज हुआ, तो उन्होंने कहा कि रमेश जी बड़े दुखी हैं यार, ये सामान तो भेज रहे हैं, बाकी आज तक हम कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट बढ़िया ट्रांसपोर्टर नहीं मिल पाया, और हार्डकोर फोन किया, गाड़ी आ गई, लोड कर दिया, हर फोकलिफ्ट यानी कि 99 के अंदर हमारा डैमेज होता है, इसके अंदर रंग उड़ जाता है, डेंट बढ़ जाते हैं, पेंट पड़ जाते हैं, आगे पीछे जो फाइबर की बॉडी है उसमें क्रैक आ जाता है। मैंने कहा कि भाई आपने वो पहले क्यों नहीं बताया, बोला जी हमने तो कई तरह सोचते रहे, अल्टीमेटली आज आप मिल गए। तो मैंने एक टीम भेज दी उनकी स्टडी करने के बाद और पूरा एनालाइज किया, मालूम हुआ कि 30,000 रुपये जैसे वो भाड़ा देते हैं और हर कंसाइनमेंट पे 30,000 रुपये का उनका दूसरे खर्चे आ जाते हैं, दैट मीन्स उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गई 60,000 रुपये। मगर जो हार्डकोर जो उनके ट्रांसपोर्ट के जो मैनेजर बैठते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर इसको कहने लग गए, डिस्पैच मैनेजर, उनके दिमाग में क्या है कि हम 30,000 पेमेंट कर रहे हैं, टॉप लेवल पे CFO प्लस उनके MD उनके दिमाग में है कि वी आर स्पेंडिंग 60,000, बस फर्क इतना है कि जब नीचे वाले से मिलेंगे तो कहेंगे रमेश जी 30,000 रुपये का ऑलरेडी है, 29 कोट कर दो मैं आपको दे देता हूँ। टॉप वाले से मिलेंगे तो कहेंगे 60,000 की कॉस्ट है, यदि 50 की कर दोगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो सोच के अंदर कि ऊपर वाले से हमारे लोग कई बार मिलना नहीं होता, नीचे वाले समझ कर अपना वहीं ख़त्म कर देते हैं। थैंक गॉड सुनील गुप्ता से मिलना हुआ, हमने पूरी स्टडी की, स्टडी करने के बाद मैंने कहा सुनील जी यदि आप मेरे को 42,000 रुपये दे देंगे तो आपके 60 में से 18,000 बचेंगे। सुनील जी का तो बड़ा वो हो गया कि यार ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो हमने उसको एक प्रपोजल दिया, उन्होंने काम शुरू किया। नीचे की जो टीम होती है वो कहती है 12 फालतू क्यों, आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली, उनके दिमाग में वही रहता है। तो मतलब जी आप सोचो सुनील जी को मालूम है 18,000 रुपये कम हो रहे हैं। तो इस केस स्टडी के बाद हमने इसका जो काम किया
वो ऐसा कर दिया कि 280 कंसाइनमेंट के अंदर से जीरो तो उनका डैमेज हो गया, और आज यदि मेरा ऑफिस पूनावाला किसी कारणवश बीमार हो जाता है या उस दिन खुलता नहीं तो सुनील गुप्ता जी की डिस्पैच रुक जाती, दूसरे को नहीं दे सकते, वो देंगे तो हमारे को देंगे। इस तरह से हम एक तरह से उनके कहते हैं ना कि डिमांडेड ट्रांसपोर्टर हैं, ऐसे ही क्लाइंटों का हम काम करते हैं जिसको उसकी वैल्यू मालूम है। किया कैसे, फोकलिफ्ट जाती रहती है ट्रकों के अंदर, तीन टन इसका वजन होता है, 7-8 टन ट्रक की कैपेसिटी है, पूरा किराया देते हैं 30,000 रुपये, और मार्केट का एक ट्रेंड है हिंदुस्तान के अंदर कि जिसमें जगह खाली होगी उसको यूटिलाइज करता है कौन, ब्रोकर। तो तीसरा चौथा आदमी, एक ट्रक होते हैं खुद के, एक ट्रक होते हैं बाहर के, अग्रवाल पैकेमूर के पास 1000 ट्रक्स अपने खुद के हैं और बाकी बाहर के लेते हैं, 44% या 48% तक हम अपने यूज करते हैं, 60% हम मार्केट से यूज करते हैं। जब हमारा साइज और ट्रक का बढ़ जाता है तो ये परसेंटेज हमारी ऑलमोस्ट 55-45 की चलती रहती है, ये हमने अपना मेंटेन कर रखा है। तो जब ये ट्रक भरकर छोड़ते थे तो रास्ते में या शहर से बाहर कोई वेल्डिंग गार्ड की पेटी या कोई सामान वो इनमें डाल लिया करते, और जिसके कारण उसके लगने के बाद डेंटिंग पेंटिंग हो जाती थी, तो हर कंसाइनमेंट वहां पर जाकर डैमेज होता था, टूटता था, फूटता था, क्रैक होता था, और उसके बाद फिर उसने अराइवल नहीं देनी, अराइवल नहीं देंगे तो इनवाइस नहीं कर सकते, और जब उन तक उनका रिपेयर करने वाला पहुंचता था समटाइम्स 10 दिन लगेंगे, 10 टाइम 15 दिन लगेंगे, वो सारी कॉस्ट मिलाकर 30,000 और कॉस्ट पड़ती थी, 60,000 की उनकी कॉस्ट आती थी, और उन्होंने मान लिया था ये तो कॉस्ट होगी, ये तो कॉस्ट उनकी होनी है, होगी, मगर हमारे इस प्रयोग के कारण वो आज 42,000। हमने क्या किया, ये उनकी इस तरह से मशीनें हैं, ये वो ऐसा भेजा करते थे, ये डैमेजेस अपीयर हुए, एक सीट है हमारे पास जैसी लगी हुई है, जैसे क्यूल्ट होती है रजाई, ऐसे हमने सीट डेवलप की है, फैब्रिक सीट, ये सीट मेरा इन हाउस प्रोडक्ट है, डेस्टिनेशन के ऊपर हम जाकर ले लेते हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 103 ऑफिस है, तो वहां पर फिर दोबारा रिवर्स लॉजिस्टिक में काम आ जाती है। रजाई की तरह पूरी फोकलिफ्ट को डाल दिया, पूरा लपेट दिया एकदम, लपेटने के बाद ये उसका सेप बन गया, ये उसकी लोडिंग हो गई। अब ये जो स्पेस बचा हुआ है तो हम जिसको बाजार में जो 30,000 रुपये किराया दिया करते थे उसको ये कहते हैं कि भाई आपको 30 की बजाय हम 28,000 रुपये किराया देंगे, आप अपना सामान 2 टन 4 टन ओपनली ईमानदारी से डाल लो, ट्रांसपेरेंटली, बेईमानी से मत डालो और लेके जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे कुछ होने वाला ही नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा पैडिंग दे दिया, नथिंग हैपन्स, तो मैं 2,000 रुपये उसमें ही कमा रहा हूँ, 12,000 रुपये उसमें कमा रहा हूँ, मेरा मार्जिन अच्छा, मेरी बुक्स अच्छी, और वो भी खुश, हम भी खुश। मगर ये जो सीट है, जो कवरिंग सीट, जो मटेरियल हम जो प्रोवाइड करते हैं, हम अपना वापस लेते हैं, वो हमारी एसेट है, वही हमारा एक मास्टरी है। इस तरह से वो पहुँच जाती है, ये उनके बेनिफिट्स हुए, देवर सेविंग 30,000 रुपीज पर कंसाइनमेंट। कुछ चीज़ें होती है, मैं अब आता हूँ हाउस होल्ड में, रिलोकेशन में, जिसमें कैसे हमने नाम कमाया, किस तरह से लोग हमारे दीवाने हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन यदि हमारे पास क्यू होती है मई के अंदर तो लोग अपना प्रोग्राम आगे कर लेते हैं, शिफ्ट करना है तो अग्रवाल से ही करना है। हम कहते हैं कि 4 तारीख को जगह नहीं है, प्लीज 6 को मिलेगा, 6 को जगह नहीं है, नाइट शिफ्ट में करोगे जी जगह नहीं है, 10 को, हाँ 10 को जगह है, तो 15-15 दिन की क्यू के अंदर लोग हमारे से काम कराते हैं, वो हमारी ब्यूटी है। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये है LED बॉक्स जिसमें LED डालने के लिए हमने बॉक्स बनाया। इससे पहले क्या होता था कि किसी का भी LED TV जो होता है वो एक वुडन की करेट में, अक्सर किसी का शिफ्ट हुआ हुआ तो देखा होगा, वुडन की करेट आती है उसमें पैक हो जाता है, उसकी कॉस्ट 800 रुपये होती है, 800 रुपीज़ उस करेट की, और बाहर जब जाओगे डेस्टिनेशन पे करेट को तोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, एक दो नेल भी कहीं दाएं बाएं गिर जाती है, और अल्टीमेटली आप उसको किसी कबाड़ी को 250-100 रुपये देकर फेंकवाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों, तो उसके ऊपर सोच बनी कि ये एक बॉक्स बनाया जाए, ये रीयूजेबल है, 20 टाइम हम यूज करते हैं, और 125 रुपये हम इसका रेंट चार्ज करते हैं, 800 रुपये से हमने कॉस्ट कम कर दी 125 रुपये, और उसकी क्वालिटी होगी आपकी अप्रोक्सीमेटली, मैं कहता हूँ 10 टाइम बेटर, क्योंकि अंदर फोम है, और बंद किया इन्वेंट्री चली गई, सील लगा दिया। LED बॉक्स कई बार लोगों का, लोग चेंज भी कर लेते हैं ट्रांजिट में, वो भी नहीं होता, तो ये एक सोच बनी और इसका जन्म हुआ, और ये अल्टीमेटली हमारे को भी बेनिफिट हुआ और क्लाइंट को भी बेनिफिट हुआ। ये एक है फैब्रिक सीट्स में सोफा पैक हो रही है, हम किस तरह से, क्योंकि हमको एक स्केल पे आना था, आ गए, अब हम हमारे बैलेंस शीट को कैसे बढ़िया करें, कैसे प्रॉफिट करें, तो यही सोच रहे कि जो पैकिंग कॉस्ट 32% लोगों को घर सामान शिफ्टिंग में लगती है, हमारा मानना ये 16% ही लगनी चाहिए। अब 16% हम कैसे कम करें, 32% जो कॉस्ट है शिफ्टिंग का 100 रुपये में से, वो हम 16% हमारा अनुमान है कि होनी चाहिए, अब हम कैसे करें,
या तो पेपर की क्वालिटी कमजोर कर दो या उसको सामान कम दे दो, बट वो हमारी फिर कंप्लेन आएगी, क्लेम होगा, तो हम उसको अपने तरीके से कम कर रहे हैं, बट काफी हद तक हम कर रहे हैं। और दो साल एक साल के बाद हमारा बिल्कुल 16-15% तक ही कॉस्ट आएगी, 85% ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो बेनिफिट क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हम दोनों भी मिलकर कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। फैब्रिक सीट है, ये एक जन्म हुआ। कार्गोट सीट, जो गत्ते की सीट हम जनरली यूज करते हैं, उसका भाव है 22 रुपये किलो होता था, ये बढ़कर पेपर 30 रुपये किलो हो गया। यानी कि एक सोफा के लिए मान लो सपोज करो 2 किलो लगता है तो उसकी कॉस्ट होगी थी 60 रुपये। हमारे लोगों ने कहा परचेज ने कि भाई इसकी कीमत बढ़ा दो, हमारे लोगों ने बोला कि बढ़ा दो, मार्केट बढ़ गया तो क्या करेंगे, बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, बढ़ानी नहीं, सोचो कि किस तरह से इसको कैसे भी उसी रेट से या उसके बराबर रेट में काम करेंगे। बोला कि नहीं बढ़ेंगे तो अपना तो 30% गत्ता बढ़ गया, व्हाट शुड वी डू। सोच बनी, ढूंढते रहे, अल्टीमेटली एक आदमी ने, किसी ने हमारे ही इन हाउस में से निकाला कि साहब 3-5% रेट कम कर देंगे और 100% क्वालिटी बढ़िया कर देंगे। मतलब ये कौन सा फार्मूला भाई, वो फार्मूला निकल कर आया, उसका नाम बना फैब्रिक सीट। ये भी एक रजाई की तरह होती है, 8x7 फीट की, और जो 2 किलो कार्गोट सीट लगती है उसके बराबर एक सीट बनती है, एक सीट की 2 किलो कार्गोट सीट की बताएंगे 60 रुपये के बराबर इस एक सीट की भरपाई हो जाती है। उसकी कीमत है 180 रुपीज, मगर हम यूज करते हैं ये 6 टाइम्स, तो मेरे को पड़ती है 34 रुपये की। 22x44 रुपये का भाव था 2 किलो का, वो 44 से हमारा हो गया 34 रुपये, 60 रुपये होने थे वो भी नहीं हुआ, और क्वालिटी 100% बढ़िया, क्लाइंट को आधा हमने बांट दिया, आधा हमने खा लिया। तो इस तरह से हमने अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर पैकिंग के अंदर क्या बेस्ट दे, कैसे क्लाइंट के साथ शेयर करें, वही हमारी एक सोच है, इसके कारण हम काम कर रहे हैं। ये कुछ बॉक्स बने, कार्बोरेटर बॉक्स 72 रुपीज में बनता है, ये हमारा 43 रुपीज में यूज होता है, बिकॉज वी यूज 34 टाइम्स, तो उसी हिसाब से पर शिफ्टिंग में पर पीस की कॉस्ट ये बन जाती है। प्लांट्स का हमने साधन बनाया कि कहाँ करें, क्यों, बिकॉज कंप्लीट कंटेनर हो गए, तो हमने गाड़ी के साइड में, डीजल टंकी के बाजू में, बैटरी के पास में, ये हमें पौधों रखने के लिए, प्लांट्स रखने के लिए, क्योंकि सबका सेंटिमेंट होता है तुलसी पौधा, मनी प्लांट्स, हर आदमी चाहता कि दो तो मैं कैसे भी लेके जाऊँ, क्योंकि वो नहीं चाहेगा तो मैडम तो जरूर चाहेगी। तो हमने सोचा कि ये उनकी भावना से खेल ना खेलें और उनको जरूर ये लाभ उठने दें, तो दोनों का हमने वैसे स्पेशल व्यवस्था कर दी। एक नई खोज की है ये, इसका नाम है ट्रिकिंग क्यूब्स, ये अभी आइडिया आया करीब 2 महीने पहले का है, और ये ट्रिकिंग क्यूब्स नॉट ओनली रिलोकेशंस, कॉमर्शियल के अंदर भी तहलका मचाएगा, क्योंकि 2 महीने से हमने पूरा मार्केट में प्रयोग कर लिया। अभी हमारे पास ये 100 ट्रिकिंग क्यूब्स बन गई, जो प्लान है कि 1000 बनेगी। है क्या ये, क्यों जन्म हुई, एक IAS ऑफिसर शिफ्ट हुआ दिल्ली से बेंगलोर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारा काम बहुत बढ़िया हो गया, उसने मेरे को बुलाया, शिफ्टिंग करते करते उसे रिलेशन बड़े अच्छे हो गए। उसने कहा रमेश जी हम एक बात पे बड़ी तकलीफ हो रही है, वो यदि आप ठीक कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देन आई सेड वो है क्या, उसने कहा कि मैं जब शिफ्टिंग कर रहा था दिल्ली से बेंगलोर, मैंने मेरे जूनियर को फ़ोन किया कि मैं बेंगलोर आ रहा हूँ, आप मेरे लिए कोई मकान देख दो 25-30 हज़ार रुपये का। उसने मकान देख दिया, उसने कहा कि प्रसाद जी आ जाओ आपको मैं दिखा रहा हूँ। 3 मकान दिखाए, एक को हमने सेलेक्ट कर लिया, मकान देखा, उसके पास ऑप्शन नहीं था, 3 मकान थे, एक को सेलेक्ट करना था। उसने सोचा कि पता नहीं अच्छा है बुरा है, दिल्ली में तो गवर्नमेंट का बंगला मिला हुआ था, ये प्राइवेट है। उसने अपने वाइफ को फ़ोन कर लिया, अभी एक मकान देखा हूँ। उसकी वाइफ ने कहा कि तुमको तो देखना नहीं आता, पता नहीं दूध वाला होगा नहीं होगा, बच्चे कैसे जाएंगे, 4 बात उसने कही। बोला भाई तुम भी आ जाओ भाई, फिर बाद में मेरे को तुम कोसोगी। वो भी मॉर्निंग फ्लाइट से बैठकर आ गई। अब उसके पास भी ऑप्शन नहीं था, 3 में से एक ही करना था कि शाम की फ्लाइट वापस थी, 3ों में से उन्होंने दिल को मारकर एक को सिलेक्ट कर लिया, वापस दिल्ली आ गई। अग्रवाल पैकमोर को बुला लिया, लभी मेरा शिफ्टिंग है आप, हमने पैक किया, 6-7 दिन में हम बेंगलोर पहुंच गए। जब बेंगलोर पहुंचे तो उसके घर में वाइट वाश हो रहा था, तो हमारे लोग बोले कि सर एक दो दिन रोक लो क्योंकि वाइट वाश जरा सूख जाएगा, तो हमारे आदमी ने कहा हाल्टिंग चार्ज लगेगा। उसने कहा क्या लगेगा, क्यों लगेगा, कहीं नेगोशिएट होकर वो भी 2 दिन की हाल्टिंग चार्ज के अंदर गाड़ी रुक गई, 2 दिन के बाद माल दे दिया। तो इस हस्बैंड वाइफ 2-3 बार चक्कर मारने से, एक दिन ठहरने से, हाल्टिंग से उनका 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, और वो कहे कि ये गवर्नमेंट हमारे को नहीं देती क्योंकि हमारा प्राइवेट खर्चा है, ये 40 हज़ार वाई शुड बी सफर। तो हमने भी उस दिन तो हल्के से टाल दिया कि साहब 40 हज़ार रुपये आपके अब हम कैसे कर सकते हैं बताओ, ये तो आप गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल दो, कोई आगे आपका कोई जियो पास कराओ, ऐसा होना चाहिए। मैंने उसको बड़ा सीरियस लिया, अंदर आते ही इसी तरह एक मीटिंग बुलाई, सब लोगों के सामने क्वेश्चन रखा, तो 10 दिन के बाद एक आंसर आया, बोला सब अब किसी का हम 40 हज़ार रुपये लगने नहीं देंगे। हमने बोला भी ऐसा कैसे कर लो, बोला जी हमने आइडिया ढूंढ लिया, और आइडिया ये ढूंढा कि
एक ट्रकिंग क्यूब, जैसे क्यूब है तीन इसके अंदर डबल बेड वाली, उसमें दो क्यूब है, हम उसको जब भी शिफ्ट होगा तो हम उसको एक ट्रकिंग क्यूब देंगे, सारा सामान भरो, ताला लगाओ, चाबी जेब में रखो, हमारे को देके दे। उसके बाद हम बेंगलोर चले जाएंगे, सामान हमारा यार्ड में रखेंगे, वो तीन मकान नहीं 30 मकान देखो मस्ती से, खूब आराम से एक को सेलेक्ट करो, एक को सेलेक्ट करने के बाद व्हाइट वॉश कराओ, पीओपी कराओ, पंडित से घर पूजा का व्यवस्था कराओ, और हमारे को 3 घंटे पहले बोल दो कि मैं तैयार हूं, और बेंगलोर से हम 3 घंटे पहले वहां उसी शहर में 3 घंटे के अंदर उसके मान लेंगे, और 21 दिन का हमने उसकी ये कंटेनर या क्यूब को रिटेंशन के लिए फ्री कर दिया, वी डोंट चार्ज फॉर 21 डेज। सो 21 दिन के अंदर वो मकान भी ढूंढ लेता है, हमारा ट्रक तो खड़ा नहीं रहेगा क्योंकि ट्रक तो चला जाएगा क्यूब को रखकर, हार्डली 15 रुपए का पर डे का खर्चा है ग्राउंड रेंट का, इट इज इमेटेरियल। तो इसने उसके 30,000-40,000 रुपए का खर्चा बचा दिया, और इसके कारण अब ये प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया कि हमको नहीं मालूम था कि पता नहीं क्या होगा, अब हर महीने हम 40-50 ये बना रहे हैं अपने वर्कशॉप में, और 1,000 या 1,200 का हमारा टारगेट है जो 31 मार्च से पहले पहले नया सीजन जो हमारा शुरू होता है उसमें हम देंगे। तो ये नया प्रोडक्ट होगा। अब ये धीरे धीरे, कल मैं किसी कंपनी में मिला था, यहाँ पर आया हुआ था यस्टरडे, एंड आई ब्रीफ दिस आइडिया, फार्मास्यूटिकल की वो कंपनी थी, उसने कहा कि अग्रवाल जी हमारे तो डेस्टिनेशन में कई बार रुकना पड़ता है, गाड़ी की हाल्टिंग होती है, वो न कर हम किसी जगह गोडाउन में माल उतार देते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में आपको मालूम है मोर हैंडलिंग मोर ट्रांसशिपमेंट मोर डैमेज, लेस हैंडलिंग लेस ट्रांसशिपमेंट लेस डैमेज, जीरो हैंडलिंग जीरो ट्रांसशिपमेंट जीरो डैमेज। तो आपका तो जीरो डैमेज का कंसेप्ट तो हमारे को आपके अच्छा हो गया कि सामान हमारा आपके यार्ड में रहेगा, कंटेनर जैसे हमने लोड किया वैसा ही रहेगा, सील हमारी रहेगी, तो ट्रांसशिपमेंट तो हमारा हुआ ही नहीं, जीरो ट्रांसशिपमेंट तो हमारा सामान नहीं टूटेगा, मेडिसिन फार्मा बहुत होती है, आपसे 25% प्रीमियम ले ले लो, हमारे को ये क्यूब दे दो। तो कल उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने कमर्शियल के बारे में कम सोचा था, तो अब आइडिया है कि क्यों ना कमर्शियल के अंदर क्यूब दी जाए। और ये क्यूब कितने साइज की है, जो 4 साइज की है, ये है हमारी, इसको बोलते हैं कि 1050 क्यूबिक फिट की एक क्यूब है, 2 बेडरूम के अंदर 1 यूज होती है, वो 3 बेडरूम के अंदर 2 यूज होती है, इसी तरह 4 है जो सिंगल बेडरूम में यूज होती है। तो हर आदमी पहले क्या करता था कि जी 1-2 बेडरूम का सामान लेके जाना होता है या 1 बेडरूम का सामान लेके जाना होता है, उसको एक्सक्लूसिव चाहिए, क्या करना पड़ेगा, ट्रक हायर करना पड़ेगा, किसी को भी सामान कम हो और एक्सक्लूसिव चाहिए, व्हाट शुड वी डू, ही हैज टू हायर ए फुल ट्रक। तो हम उसको कहते थे कि भाई आप पूरा ट्रक मत लो, आपको एक्सक्लूसिव चाहिए ना, एक क्यूब लो, ताला मारो, आपके लिए तो एक्सक्लूसिव हो गया, मेरे लिए जरूर इंक्लूसिव है, मैं 3 में कर रहा हूं, तो 20-25% उसको प्रीमियम देते हैं हम, और हमारा 20-25% हमारा बच जाता है, तो एक्सक्लूसिव बट इंक्लूसिव के चक्कर में वो भी कमाता है हम भी कमाते हैं। तो ये क्यूब्स जो अभी नई निकाली है हमने, ये अभी सितंबर में इसका जन्म हुआ है, और 31 मार्च तक मैं समझता हूँ कि 1000 हमारा हो जाएगा, जिसके कारण इस इंडस्ट्री जो पैकिंग मूविंग इंडस्ट्री है, इसका टोटल मार्केट है 19-20 लाख लोग एक साल में शिफ्ट करते हैं, इट इज ए 9,500 करोड़ का मार्केट है, हमारे पास तो हार्डली अभी वी कैरी ओनली आई थिंक 200 करोड़, 200 करोड़ का है, 225 करोड़ का हमारे पास अपना अभी टॉप लाइन है रिलोकेशन से, और 10,000 करोड़ का मार्केट है। तो अब हमने सोचा कि इससे हम बाजार के अंदर जो अनऑर्गेनाइज लोग थे, जिनके रेट हमारे से 30% कम होते हैं क्योंकि वो टैक्स नहीं भरते, सर्विस टैक्स नहीं भरते, कहीं भी बुक्स मेंटेन नहीं करते, तो उनके पीएफ ईएसआई सबसे आउट, तो उनके 30-32% रेट हमारे से कम हो जाते हैं, क्वालिटी की चिंता नहीं, क्लेम की चिंता नहीं, कंज्यूमर कोड की चिंता नहीं, 9 मंथ के बाद बोर्ड बदल देते हैं, तो उन लोगों से कंपीट करने के लिए अब हम 30% रेट कम करके उन लोगों का मार्केट को कैप्चर करना शुरू करेंगे। तो शायद हम लग रहा है कि वो शायद 10,000 करोड़ का जो दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं हम अच्छा एक लेके जाएंगे, ये हमारी अभी सितंबर में सोच बनी है। और इसके सारे तो एक नया कंसेप्ट, नई चीज, नई सोच हम हिंदुस्तान में लाए हैं। अब सोचने वाली बात है कि भी आपके कंपटीशन में आप कर रहे हो, दूसरा क्यों नहीं कर सकता, क्वेश्चन ये आता है, दूसरा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास 102 ब्रांच है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं हिंदुस्तान में 95% 98% वो केवल सिंगल ऑफिस के हैं, जिसके भी 3 हैं वो कोई आधा परसेंट है। तो आज मान लो किसी ने गुवाहाटी में, जोरहाट में, छबुआ में, जम्मू में, गोवा में, पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति, कालीकट, त्रिवेंद्रम, कोटायम यदि भेज भी दिया तो वापसी कैसे आएगा, पर हमारे पास पूरे साधन रिवर्स लॉजिस्टिक के हैं, वो हमारे को एक बेनिफिट है। जैसे एलईडी बॉक्स दिखाया वो क्यों वापस हम बेनिफिट है, क्यों हमारे पास वापस आ जाएगा, फैब्रिक शीट जो दिखाया वो हमारे पास क्यों है बेनिफिट, क्योंकि वापस हमारे थ्रू आ जाएगा रीयूज करते हुए, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं और कंपिटिटर उसको कभी भी यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर नया जो
ये जो तीन का था, काफी ऑफिसर कहते हैं कि मेरी कार और घर समा भी साथ में जाएगा। कार कैरियर अलग होते हैं, घर समा अलग होता है, और कार कैरियर कार अक्सर ही 6-7 दिन लेट पहुंचती है, क्योंकि कार कैरियर 8 कारें लेके चलता है, स्पीड कम होती है और रास्ते में कार छोड़ता हुआ आता है। मगर इसमें हमने प्रोविजन बना दिया, आगे घर सामान 2 बेडरूम का, पीछे कार, यदि कोई एक भी साथ में लेके जाना चाहता हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है, कार एंड हाउस होल्ड एट ए टाइम, घर से घर तक। ये हमारे पास कुछ चैलेंज है इस इंडस्ट्री के अंदर। चैलेंज ऐसे हैं कि आने वाले टाइम में ड्राइवर्स खत्म होते जा रहे हैं, जो 1000 गाड़ियाँ बनती है तो 750 ड्राइवर्स पैदा होते हैं, और कभी 1300 ड्राइवर होते थे 1000 गाड़ियों पर। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कभी धंधा बंद तो ना हो जाए सरफेस का, जो स्पीड ड्राइवरों की गिर रही है, ये एक बड़ा चैलेंज दिखाई दिया। तो कंपनी का एक CSR का हिस्सा था रहा, क्योंकि आज जब खड़े हैं ड्राइवरों की बदौलत हम खड़े हैं, वही हमारा सिपाही है जिसने आज मेरे को यहाँ कोटक के इस रूम तक पहुँचाया। हम भी एक छोटे से गाड़ियों में हेल्पर की तरह ही साथ, छोटा भाई तो ड्राइवर था और मैं फौजी था, मैंने फौज छोड़ी, वो ड्राइवरी छोड़ी, अल्टीमेटली आज हमने तामझाम जमाया। तो इसको किस तरह से रेस्पेक्ट मिले, वो कंपनी ने एक CSR का हिस्सा किया, उससे बेनिफिट क्या है हमारे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस में भी, क्योंकि आज कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान में किसी भी ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंट और हमारे कंपेयर करते एक्सीडेंट, तो उनकी जगह हम यदि एक्सीडेंट के अंदर उनके 100 हैं तो हमारे हार्डली 35 ही होंगे, 40 ही होंगे, इतना डिफरेंस है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट होता है तो डैमेज होता है, क्लाइंट नुकसान होता है, क्लाइंट नाराज होता है, तो एक्सीडेंट को जीरो कैसे करें, क्योंकि ड्राइवर जब खुश रहेंगे, सही मार्ग से चलेंगे, घर से अच्छी तरह से निकलेंगे, ये समझेंगे मेरा माल है, मैं मालिक का वफादार हूँ, तो एक्सीडेंट नहीं होते।